फैक्ट्स, सम कॉमन फैक्ट्स, कुछ हम लोग कॉमन फैक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे फैक्ट पढ़ रहे हैं जो हम लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो सम कॉमन फैक्ट, ये फैक्ट क्या है वो जानिए आप। जैसे मान लेते हैं एक्वा ओल्ड इंग्लिश जो पुराने जमाने का है, एक्वा न्यू डीएसएल इंग्लिश नए जमाने का है। ओल्ड कहता है बच्चे कि जैसे आप बनाते हो सिंगुलर, बनाते हो आप प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल। अगर सिंगुलर में आप लगाते हो, जैसे आपको लिखना हो एस पी तो एस डॉट पी लिखते हो, डी एम एल ए तो एम डॉट एल डॉट ए, एम पी एम डॉट पी, ठीक है ऑफ कर दूं, है ना, एम पी वी आई पी वी डॉट आई डॉट पी। अगर बनाते हैं इसका हम प्लूरल तो एस पी का प्लूरल बनता है, इस प्रकार से बनाते हैं बचपन से, एस पी एम एल एस एम पी वी आई पी, इस तरह से बनाते हैं। और अब जो न्यू इंग्लिश आ गया है सिंगुलर और प्लूरल, तो अगर अब आपको एस पी लिखना है तो आप ऐसे लिखते हो, मतलब बीच के डॉट का सिस्टम खत्म हो रहा है, एम एल एम पी वी आई पी, ठीक है। अब जो बनाते हैं प्लूरल वो इस प्रकार बनाते हैं, एस पी एम एल एस एम पी वी आई पी। तो ये अब ज्यादा ऑथेंटिक माना जा रहा है, लेकिन मैं इसको गलत नहीं कह सकता क्योंकि लोग इसको भी बनाते हैं, इसलिए जब तक अभी ऑथेंटिक नहीं है कि मैं किसको गलत काटूं, लेकिन अब आपको मॉडर्न में इसे फॉलो करना है, ठीक है। ए ऑथेंटिक ज्यादा है, ए मॉडर्न इंग्लिश बदल रहा है इंग्लिश, और वो परंपरावादी ए ज्यादा अच्छा, क्योंकि ऐसे हम लोग आपस स्टॉप लिखते हैं, तो ये कहता है प्लूरल है तो मानना पड़ेगा, लेकिन अब ये गलत है ऐसा पढ़ना है। फाइन, बोलना हो देयर आर फाइव एम पीज तो फाइव एम पीज ऐसे बोलेंगे हम लोग, देयर आर लॉट ऑफ वी आई पीज ऐसे बोलेंगे। वापस नेक्स्ट रूल पे फटाफट, हम लोगों ने हेडिंग बनाया सम कॉमन फैक्ट्स। अगला पॉइंट, और अगले रूल को जानने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, और काम ये करेंगे कि आप दो एग्जाम्पल लिखेंगे। ये लगता है पढ़ा दिया हूं, क्या पढ़ा हूं कि आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड, पढ़ा दिया है, और वहां बताया है कि ब्रेड का काउंटेबल बनाने के लिए आप पीस ऑफ आई काइंड ऑफ लगाते हैं। लिखवाया नहीं था, ओके लिखवाया नहीं था। चलिए ये काम करते हैं, पहले एग्जाम्पल लिखते हैं फिर से रूल आ जाएगा। एग्जाम्पल लिख के दो, ये समझ में आ गया बच्चे, ये उतार लिया आप सबों ने, उतार लो, उतार लो इसको। एक रूल है, एक रूल नहीं बट ऐसी बेसिक है बच्चों जैसा, ऐसे बता दिया। उतार लिया बट दो एग्जाम फटाफट लिखे, तो लिखिए I gave you an advice. I gave you an advice. I gave you an advice. दूसरा I gave you two advices. I gave you two advices. I gave you two advices, but you didn't improve yourself. I gave you two advices, but you didn't improve yourself. Next. But you didn't improve yourself. Improve yourself. Next, likhiye. I gave you two pieces of advice. I gave you two pieces of advice. Pieces का स्पेलिंग P I E C S. I gave you two pieces of advice. I gave you two pieces of advice. हम का ये फर्स्ट राइट में कितने लोग
फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो बेटा एक ही सही है इसमें, सिर्फ तीसरा, बाकी दोनों गलत, बाकी दोनों गलत है। रूल बनाइए, लिखिए फटाफट, लिखिए किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में, रूल लिखिए हिंदी में, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ, पी आई ई सी ई, पी आई ई सी ई, अ पीस ऑफ अब्लिक, अब्लिक का साइन देते हैं, अ पीस ऑफ अब्लिक, अ टाइप ऑफ, अ टाइप ऑफ टी वाई पी ई, अ टाइप ऑफ अब्लिक, अ काइंड ऑफ के आई एन डी, अ काइंड ऑफ अब्लिक, एन आर्टिकल ऑफ, ए एन एन आर्टिकल ऑफ अब्लिक, अ बीट ऑफ बी आई टी, अ बीट ऑफ अब्लिक, एन आइटम ऑफ आई टी ई एम, एन आइटम ऑफ डॉट डॉट कर दो, डॉट डॉट बहुत सारे बड़े आ जाएंगे, डॉट डॉट ई टी सी लगाकर, ई टी सी लगाकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाया जाता है, ई टी सी लगाकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाया जाता है, ई टी सी लगाकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाया जाता है, ई टी सी लगाकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाया जाता है। ठीक है, चेंज कीजिए पैराग्राफ और लिखिए तथा, तथा अब पहला वर्ड क्या था, आ पीस ऑफ, तो सबसे पहले ए हटाएंगे और पीस को करेंगे पीसेज, तो देखिए तथा पीसेज ऑफ, तथा पीसेज ऑफ, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, बीट्स ऑफ, बीट्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, ई टी सी लगाकर डॉट डॉट, आइटम्स ऑफ डॉट डॉट, ई टी सी लगाकर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ई टी सी लगाकर प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया जा सकता है, ई टी सी लगाकर प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया जा सकता है, ई टी सी लगाकर प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे समझ में आ गया, जब मैंने कहा टू पीस ऑफ नहीं, टू पीसेज ऑफ है ना, तो सही हो गया होगा आपका, तो यहाँ तक बात समझ आ गया। चलिए अगले रूल पढ़ने के लिए चार एग्जाम्पल लिखिए, फटाफट लिखिए, पहला एग्जाम्पल लिखो बेटा, द पुअर, पहला एग्जाम्पल है द पुअर आर हैप्पी, दूसरा द पुअर इज हैप्पी, तीसरा द पुअर पीपल इज हैप्पी, और लास्ट द पुअर पीपल आर हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल्स वी हैव, जल्दी से लिख लिया सबने, हाथ उठाओ, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट में कितने लोग, थर्ड राइट, लास्ट राइट, तो बेटा लास्ट एग्जाम्पल गलत है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ए थर्ड एग्जाम्पल भी रॉन्ग है, थर्ड वाला भी रॉन्ग है, फर्स्ट राइट क्यों भाई, तो सबसे पहले इसका रूल क्या बनेगा वो ध्यान देना, इसका रूल बनेगा कि द, अब देखो ये राइट क्यों है, तो इसका रूल बनेगा कि द प्लस एडिटिव, द प्लस एडिटिव, ये पुअर क्या है बच्चे, एडिटिव, तो द प्लस एडिटिव बराबर प्लूरल कॉमन नाउन, ये बेसिकली एडजेक्टिव है, पुअर क्या है, एडिटिव, जब हम द लगा दिए तो ये जाति हो गया, क्या बन गया, पूरा जाति हो गया, किसका जाति, प्लूरल कॉमन नाउन का, पूरा गरीब लोग हो गए इसमें, यानी द प्लस एडिटिव का मतलब क्या होता है,
लोग, लोग इसके साथ प्लस वर्ब क्या लगेगा बच्चे? प्लूरल, द पुअर आर, ठीक है। तो द पुअर एक जाति बन गया गरीब लोग, इसका हिंदी लोग होता है, और पूरा हो गया प्लूरल कॉमन नाउन, वर्ब के लिए बेटे प्लूरल। जैसे समझिए, एग्जांपल हो गया क्लियर। जैसे मैं लिखा द, अब द में तुम कुछ भी जोड़ दो, हमने जोड़ दिया पुअर, जोड़ दिया रिच, जोड़ दिया ब्लाइंड, जोड़ दिया ब्लैक, ये सबका मतलब हो गया लोग। कौन से लोग? द पुअर मतलब गरीब लोग, रिच मतलब, द ब्लाइंड मतलब, द ब्लैक मतलब काले लोग, जितना मन कर जोड़ दो। द ब्रेव मतलब बहादुर लोग, तो जहां भी तुम लोग लगा दो हो जाएगा। द बाल्ड गंजे लोग, द डीफ बहरे लोग, समझाया? इस तरह से हम लोग काम करेंगे इसका। रूस में आ गया, आगे बढ़ो, मिटाओ इसको, आया नहीं? ठीक है, प्लूरल कॉमन नाउन, ठीक है बालक, मिटा दिया जाए वापस। रूल नंबर नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। हम लोग हिंदी में तीन लाइन है, पहला लाइन है जगह खाली नहीं है, दूसरा वर्ड है जगह नहीं है, तीसरा वर्ड है सीट नहीं है। ये तीनों का अंग्रेजी अगर कहीं लिखा मिल जाए नो प्लेस, तो कितने लोग नो प्लेस हाथ उठाएंगे राइट में? नो रूम, तो नो प्लेस गलत है, नो रूम सही है। जगह खाली नहीं है, सीट नहीं, कुछ भी नहीं है, सबको क्या बोलना है? नो रूम। इस रूम का मतलब रूम मत समझना, ये नो रूम एक फ्रेजल वर्ड हो जाता है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। ऐसा नहीं सोचना कि रूम रूम खाली नहीं है, रूम से मतलब नहीं है। कहीं खुले मैदान में भी जगह नहीं है तो नो रूम ही बोलना पड़ेगा। रेल का डब्बा खाली नहीं है, नो रूम बोलना पड़ेगा। यहाँ बेंच नहीं है खाली, तो नो रूम बोलना पड़ेगा, ठीक है। नो प्लेस वर्ड गलत होता है बच्चे, एग्जाम में पूछता है। बाकी बोल चाले बोल तो अलग कहानी, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़िए। अब अगला कंसेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा आराम से, फिर समझिए पहले उतार लिया इसको। अगला कंसेप्ट क्या कहता है उसे आप जानिए। जैसे बच्चे क्या है, अगला से पहले कुछ और बता दो, अगला थोड़ा सा लंबा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं दो वर्ड लिखिए, एक सूट और एक ड्रेस, सूट और ड्रेस। नाम का हाफ आधे घंटे का क्लास और लेना पड़ेगा, तो कल आप आओगे तो आधे घंटे क्लास उसको खत्म करेंगे। अभी मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो दो दो मिनट का है वो पढ़ा, ठीक है ना। सूट और ड्रेस दो वर्ड है, ठीक है। पहले दो एग्जाम्पल लिखो फिर हाथ उठवाऊंगा। एग्जाम्पल लिखो, पहला हर, हर सूट इज वेरी अट्रैक्टिव, हर सूट इज वेरी अट्रैक्टिव, हर सूट इज वेरी अट्रैक्टिव। दूसरा लिखो, हिज ड्रेस इज वेरी नाइस, हिज ड्रेस इज वेरी नाइस, हिज ड्रेस इज वेरी नाइस। क्लियर? हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकेंड राइट में कितने लोग? दोनों गलत है, ठीक है। ध्यान रहे बच्चे, सूट का प्रयोग करना यूज फॉर मेल, और ड्रेस का यूज करना यूज फॉर फीमेल। लेकिन बोल चाल में महिलाएं अपने सारे बोलती है मेरा सूट तेरा सूट, मेरा ड्रेस तेरा ड्रेस। पुरुष बेचारा कुछ नहीं बोल पाता डर से, वो जींस टी शर्ट से काम चला लेता है ना। सूट बोलता है कभी?
अगर कोट पैंट जूता टाई लगाएगा तब हिम्मत करेगा सूट पहना हो, अगर कोट नहीं है तो पैंट शर्ट से ही काम चला लेगा। सूट बोलता है कभी? कभी नहीं। आज के बाद आपको दिया जा रहा है स्वतंत्रता, आप कुछ भी पहने अपने लिए क्या बोले। अब महिला कुछ भी पहने क्या बोलेगी, क्योंकि हर के साथ सूट नहीं होता, हर के साथ ड्रेस और ही के साथ सूट। ठीक है, एग्जाम के बोलचाल में जो बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है, एग्जाम्पल लिखो, दो एग्जाम्पल। आई विल मीट यू, लिखो आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू 4:30 o'clock, आई विल मीट यू एट लगा दो, एट लगेगा ना, आई विल मीट यू एट 4:30 o'clock, 4:30 बजे, 4:30 o'clock। दूसरा, आई विल मीट यू एट 4 o'clock, आई विल मीट यू एट 4 o'clock, आई विल मीट यू एट 4 o'clock। तीसरा, 4 o'clock ऐसे लिखो ना भाई, 4 o'clock। आगे लिखो, आई विल मीट यू एट 4:30 p.m. आई विल मीट यू एट 4:30 p.m. 4:30 p.m. ये पता है ना, लिखो प्रॉपर, आई विल मीट यू एट 4:30 p.m. लास्ट लिखो, आई विल मीट यू एट 4 p.m. आई विल मीट यू एट 4 p.m. जल्दी बोलो, फर्स्ट राइट में कितने लोग, फर्स्ट राइट कार हुए ना जी, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। तो बेटा पहला एग्जांपल जो है गलत है, 4:30 o'clock कभी नहीं होता। दूसरा क्या है, पता है एग्जाम में ऐसे से पूछ देगा ना कि दिमाग उड़ जाएगा, हम लोग बहुत टफ सोचते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कई बार मैं देखा हूँ क्वेश्चन में, और लड़के गलत मारते हैं। 4:30 o'clock कभी नहीं होता। दूसरा क्या है, 4 o'clock राइट है। तीसरा क्या है, PMCM है ना, सब सही है बाबा दादा। हाँ बोलो, बाकी सारे सही हैं। अब समझाता हूँ, हमने कहा तो मान लिए, कहाँ पर है ना, देखो बोर्ड पे सब समझा रहा हूँ, देखो गौर से। ओ क्लॉक का प्रयोग कहाँ करना, जब टाइम तुम्हारा फिक्स टाइम हो। फिक्स टाइम का मतलब क्या होता है वो समझो, फिक्स टाइम का मतलब होता है 2, 3, 4, 5... मतलब जो टाइम वेरिएबल ना हो उस टाइम के साथ तुम ओ क्लॉक का प्रयोग करना। ठीक है, जो टाइम वेरिएबल हो उसके साथ जो मर्जी करना, ओ क्लॉक मत लगाना। जैसे 4:30, तो 4:30 AM बोल सकते हो सुबह हो जाएगा, PM बोल सकते हो शाम हो जाएगा। अब रही बात 4, 5, 6 इस तरह के टाइम बोलना हो तो इसके साथ तीन काम कर सकते हो, ओ क्लॉक, AM, PM, इसके साथ जो मर्जी कर सकते हो। सुना रहा है, जो मर्जी का मतलब हुआ कि तुम AM लगा दिया सुबह हो गया, PM लगा दिया शाम हो गया, ओ क्लॉक हुआ एग्जैक्ट टाइम हो गया, न सुबह न शाम। जैसे अभी मैं तुमसे कहूं कि आई विल मीट यू एट 9 o'clock का मतलब क्या हुआ, 9 बजे रात मिलूंगा। अब 9 बजे रात तुमसे बोल रहा हूं कि आई विल मीट यू एट 3 o'clock, मैं 3 बजे रात की बात कर रहा हूं, आई विल मीट यू एट 2 o'clock, मतलब जब जब आप बोल रहे हैं उसके अगले टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ओ क्लॉक। और एम पी एम डिसाइड कर दिया, जैसे आज मैं बोल रहा हूं कि आई विल मीट यू एट 4 o'clock, तो 4 बजे सुबह, आई विल मीट यू एट 4 p.m. मतलब कल मिलूंगा कल शाम में, क्योंकि अब पीएम दोबारा आएगा नहीं, अब पीएम तो कल ही ना आएगा 4 बजे, तो आई मीट यू एट 4 p.m. मतलब कल शाम, आई मीट यू एट 4 a.m. मतलब 4 बजे भोर में मिलूंगा। समझ रहा है, तो एम कब कहते हैं पता सबको, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक क्या लगाते हैं, और दिन के 12 बजे से रात के फिर 12 p.m. 12 का मतलब 11:59,
ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं। आधे घंटे का क्लास आपका और चलेगा नाउन का, फिर समाप्त हो जाएगा। तो कल ही मिलते हैं बढ़िया से, ठीक है ना? तो पढ़िए बढ़िया से, और कभी कोई प्रॉब्लम हो मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच।